यहाँ तो सबसे बड़े ना बेचने वालों को मारा था पकड़ पकड़। और वहाँ पे वो सरकारी जगह, उसमें नशा भी करते हैं, उसमें लड़कियों का भी केस होता है, मर्डर भी होता है, सारा कुछ होता है। या तो उस जगह को तुड़वाया जाए या फिर वहाँ थाना बनवाया जाए। यहाँ का कोई नेता आ रहा है ना कोई MLA आ रहा है, कोई इनके पास, सिर्फ उनका यही काम है कि जब इलेक्शन आते हैं तो हाथ जोड़ के वोट ले लो, उसके बाद पब्लिक मर रही है जी रही है, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ अचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज़तर्रार, जहाँ दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में। इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये DDA ऑफिस की साइड वाली बिल्डिंग है जो कि एक सरकारी बिल्डिंग है। आपको बता दें, यहाँ पर एक नाबालिग बच्चे का शव मिला है। शव मिलने का कारण अभी बताया नहीं गया कि किस वजह से ये शव यहाँ पहुँचा। आइए एक बार नाबालिग के परिजनों से जुड़ते हैं और जानते हैं पूरा मामला। जी मैम, क्या हम जान सकते हैं कि क्या हुआ था? मैम हमें कुछ नहीं पता, हमें सवेरे कल 9 बजे पता चला कि किसी बच्चे का कत्ल हो गया। हम वहाँ देखने गए तो वो हमारा बच्चा था, और जब उसका चाचा देखने गया, उसके चाचा के हाथ पे पुलिस वालों ने डंडा मारा, और हम यहाँ भी फोन में उन्होंने पुलिस वालों ने ये घोषित करे कि बच्चे ने ज़्यादा नशा कर रखा। और जब बच्चा हमारे घर से निकला था, कोई नशे में नहीं था। बच्चे का नाम क्या था? कन्हैया उर्फ लक्की। और उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 16 साल की है। काम आ गए, हमारे बच्चों का बदनाम गया। अगर यहाँ का ना अभी तक कोई नेता आया ना कुछ आया, उसके बाप की हालत देखो इतनी सीरियस है, उसके बाप की को कौन देखेगा, कौन वो करेगा? जवान मेरा बच्चा मार दिया, वो पुलिस वाले कह रहे हैं हमने पकड़ लिया। अगर तुमने वो कह रहे 14 साल का लड़के ने अकेले ने मारा है, हमें नहीं विश्वास कि हमारे बच्चों को वो अकेला जिसने मारा है वो पकड़ा गया। वो कह रहे कि पकड़ा गया है। अब हमें नहीं दिखाया कि वो ही बंदा है या कोई बंदा, वो भी झूठ बोल रहे हैं। हमें पता हमारे लड़का एक बंदे से नहीं, लड़के से नहीं मार खाएगा। आपका बेटा उसे जानता था जो पकड़ा गया है उसे? ना हमें नहीं पता, नहीं जानता था वो, नहीं जानता था, नहीं जानता। आप भी नहीं जानते थे उन्हें? मैं अभी नहीं जानती थी, समझे। हमें तो बाद में पता चला कि जब वो किसी ने जाके हल्ला मचाया कि एक बच्चे का कत्ल हो गया, हम तो जब जाके देखी। आपको कितने बजे पता चला? हमेशा 10 बजे गए थे। हाँ जी, घर से कितने बजे निकले था? घर को शाम से तैयार होके गया था, कंगी शंगी करके कपड़े छपड़े पहन के गया। क्या बता के गया था कि कहाँ जा रहे है? वो ये कह रहा था मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँ। मैंने उसको बोला लड़के को कि टाइम से आ जाना, कह रहा मम्मी मैं आ जाऊँगा। जी मैम, आप इसी इलाके में रहते हैं? इसी एरिया में रहते हैं। तो ऐसा भी कुछ हुआ पहले भी? हुआ ऐसा नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। वो लड़का था नहीं नशा, वो लड़का नशा नहीं करता है। अच्छा, ये इस इलाके की पहली घटना ऐसी? ये पहली घटना हुआ है लड़का के, पहली घटना हुआ है लड़का के। ये है ना, मिल के मारे हैं ये बच्चे को। ये बच्चा किसी से लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं करता है, घर से खा पी के आराम से निकला है वो। और रात को खूब पूरी रात ढूंढे हैं बच्चे को, कहीं नहीं मिला। ये रात को मार दिया ये बच्चे को। बस सवेरे हम लोग को पता लगी है, गए देखे तो निरे खूने खून था है, और बच्चा को मार पड़ा, गला काट दिया सब। बस यही सुन पाए। जहाँ पे इस लड़के को मारा है वो भी सरकारी जगह है? DDO का ऑफिस है वो, जहाँ पे इस लड़के को मारा है वो DDO का ऑफिस है, सरकारी जगह है वो। उसी में मारा है। वहाँ पे शव मिला, वहीं पे पड़ा हुआ था हमारे लड़का, ठीक है। एक उन्होंने पुलिस वालों ने कहा हमने 16 साल का बच्चा पकड़ा है, अभी तक हमने उस बच्चे को देखा नहीं है कि वो बच्चा कौन है, किसको मारा है। और 24 घंटे रिमांड पे रखने के बाद जेल पहुंचाते हैं, उन्होंने 4 घंटे में उसको जेल पहुंचा दिया, कह रहे हमने जेल पहुंचा दिया है। वो सारी जगह, और वहाँ पे वो सरकारी जगह, उसमें नशा भी करते हैं, उसमें लड़कियों का भी केस होता है, मर्डर भी होता है, सारा कुछ होता है। या तो उस जगह को तुड़वाया जाए या फिर वहाँ थाना बनवाया जाए, कुछ भी हो सकता है। अब ये बूढ़े माँ बाप ये किसके सहारे लगेंगे, जाके किसके सहारे लगेंगे? उन्होंने तो कर दिया, बाकी पुलिस वालों के पास जा रहे तो पुलिस नहीं सुने। ना यहाँ का कोई नेता आ रहा है ना कोई MLA आ रहा है, कोई इनके पास, सिर्फ उनका यही काम है कि जब इलेक्शन आते हैं तो हाथ जोड़ के वोट ले लो, उसके बाद पब्लिक मर रही है जी रही है, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई नेता अभी तक नहीं, आज 3 दिन हो गए इस केस को, अभी तक कोई नेता नहीं आया पूछने के लिए। इनके पास दुनिया के अंदर खबर आ गई, आप लोग जैसे मीडिया 50 जगह से आ गए, बाकी नेता कोई नहीं आया अभी तक। तो इनको इंसाफ दिलवाया जाए, है ना, कोई भी नहीं। बाकी वो लड़का अकेला एक बंदे के क्या, 2 बंदों के हाथ भी नहीं आने वाला है। उसको 3-4 बंदों ने पकड़ के उसको नशा करवा के मारा है।
हमें शक नहीं है, मगर हमें ये शक है कि मेरे बच्चा अकेले इससे नहीं मार खा सकता। उसको तीन चार लड़कों ने मारा है, तीन चार लड़कों ने मारा है। मेरा लड़का अकेले से नहीं मार खा सकता, उनको तीन चार लड़कों ने नशा तबियत से कराया, उसे मारा है तब नशा इतना तबियत से कराया। समझे, चलो दो तुम पीटोगे तो दो वो मारेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो एकदम ही कत्ल करके भाग जाएगा। नहीं करता है वो लड़का बेचारा, अभी घर के अंदर है। देख भाई है, वो मेट्रो में काम करता है, बाकी फिर भी इस मतलब इनका जीना हराम कर दिया। पुलिस वाले कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई नेता सुनवाई कर रहे हैं, और जो भी कोई थाने जा रहा है उसको भगा रहे हैं। अभी मैंने कॉल करा है, जब ये सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जब 100 नंबर की भी जिप्सी आ गई तो पुलिस वाले भी आ गए, नहीं तो वहाँ बुला रहे हैं, कह रहे हैं यहीं आ जाओ, और वहाँ जा रहे हैं तो भगा रहे हैं धक्का मार मार के। ये ऐसे पुलिस वाले हैं यहाँ के, पुलिस वालों ने रिश्वत खा ली है, बाकी सबको भगा दिया है। वो 15 साल के बच्चों को पकड़ के रखा हुआ, अभी तक वो बच्चा भी नहीं दिखा। या तो इनको इंसाफ मिले और या वो बच्चा इनके हवाले कर दो। इनका भी बेटा 16 साल का है, वो भी 16 साल का है, ये अपने आप फैसला कर लेंगे। इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ ये वही जगह है जहाँ से वो शव बरामद हुआ था। अगर हम इस जगह को देखें तो यह एक खंडर दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि ये शव इस इलाके के कबाड़ी द्वारा देखा गया था। हमने नाबालिग के परिवार के सदस्यों से और आस पड़ोस के लोगों से बात की, साथ ही ये भी पता चला कि पुलिस ने उनमें से एक आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरी घटना का एक ही आरोपी है, लेकिन शव के मां ने इस बात से इनकार कर दिया है क्योंकि आरोपी की उम्र 13 साल बताई जा रही है और नाबालिग की उम्र 17 साल है। परिजनों का कहना है कि केवल एक 13 साल का लड़का उनके बच्चे को नहीं मार सकता, इसमें काफ़ी लोगों का हाथ है। उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं पुलिस आरोपियों का साथ दे रही है। पुलिस ने ना ही उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कोई डिटेल्स दी और ना ही उनकी कोई सहायता कर रही है। पुलिस ने अपने बयान में ये तक कहा कि मृतक बच्चा नशे की गिरफ्त में था। साथ ही पड़ोस के लोगों ने भी खुलासा किया कि वाकई में मदनपुर खादर में छोटे बच्चे तक नशा कर रहे हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस को इलाके से नशे हटाने में पूरी मेहनत करनी चाहिए। आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, साथ ही तेज़तर्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज़तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।